नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। यह खबर है शाहीन बाग से। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में दिल्ली में हुई फायरिंग की घटना के बाद शाहीन बाग में अब सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, जिसके मद्देनजर देर शाम इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया। जनवरी को जामिया में पहली गोली चली, उसके दो दिन बाद 1 फरवरी को शाहीन बाग में दूसरी गोली चली और महज एक ही दिन बाद 2 फरवरी को देर रात फिर से जामिया में तीसरी गोली चली। राजधानी दिल्ली की ये तीन तस्वीरें तो हर किसी के जहन में तैर रही होंगी। नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया और शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच देश की राजधानी गोलीकांड से दहल गई। गोलीकांड के बाद राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को लेकर न सिर्फ दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे थे, बल्कि बड़े अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद अब शाहीन बाग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाहीन बाग में सुरक्षा के मद्देनजर देर शाम रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया। इस फोर्स में दंगे के समय इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा अब ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए पुलिस ने वहां मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया है। जामिया और शाहीन बाग में 4 दिनों से हुई 3 फायरिंग की घटना ने देश की संसद को भी हिला दिया। गोलीकांड को लेकर पक्ष विपक्ष में तू तू मैं मैं हुई तो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और मुस्तैद हो गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कई अधिकारी जामिया और फिर शाहीन बाग प्रदर्शन के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करने पहुंचे, जिसके बाद प्रदर्शन वाली जगहों के पास सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। दोनों तरफ मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, सबकी तलाशी ली जा रही है, सामान भी चेक किया जा रहा है। सिक्योरिटी का मुआयना किया क्योंकि सिक्योरिटी बीफअप की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप से भी बात की, DCP हमारे साथ थे, उनसे उनकी राय के बारे में जाना और जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं उनसे भी अपील हमने की कि खाली करें और बाकी सुरक्षा के किस तरह से उपाय किए जा सकते हैं और कैसे बढ़ाए जाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने किसी भी घटना से निपटने के लिए न सिर्फ सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों से बात की, बल्कि वॉलंटियर से भी बात की और उनको सुरक्षा को लेकर कई तरीकों को ब्रीफ भी किया। CAA के विरोध में शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन की वजह से करीब 52 दिन से दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बंद है। इस सड़क जाम से जनता को हो रही तकलीफों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। वहीं शनिवार को दिल्ली का चुनाव भी संपन्न। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने की तैयारी चल रही है और इसीलिए यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। दिल्ली से दिवांशु तोमर और फरीद अली के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान दे डाला है। हेगड़े के बयान पर बवाल हो गया और बीजेपी ने हेगड़े को बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा। इंथवरे देश महापुरुषरादरु कण्री, इंथवरे देश महापुरुषरादरु। अब बीजेपी के नए सूरमा आए हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के आजादी के आंदोलन को ही ड्रामा बता दिया। ಒಂದು ಲಾಠಿ ಏಟ್ ಹ್ಯಾಂಗಿದೆ ಅಂತ ಲಾಠಿ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಲಾಠಿ ಏಟ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಇಂಥವರೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರಾದ್ರು ಕಣ್ರಿ, ಇಂಥವರೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರಾದ್ರು. ತೋ ಕ್ಯಾ ಯಹಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿ ಪಾರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಹೇ जो बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े बोल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं सुबह सुबह और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। भारत के टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देखने वाले देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, मगर शर्जील केस की जांच कर रही SIT के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जो बताते हैं कि शर्जील बहुत ही भयानक साजिश रच रहा था। तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। तो
देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ था उसका खुलासा हुआ है। शर्जिल इमाम मुस्लिम युवाओं में किस कदर नफरत के बीज बो रहा था उसका खुलासा हुआ है। शर्जिल इमाम कैसे और कितना बड़ा बवाल करने की साजिश कर रहा था उसका खुलासा की तारीख में शर्जिल इमाम हद दर्जे तक कुख्यात है। शायद ही ऐसा कोई हो जो इसे ना जानता हो। अलग अलग राज्यों में शर्जिल इमाम के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज है। शर्जिल की हेट स्पीच के चलते फिलहाल वो पुलिस रिमांड में है। इसकी रिमांड 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है क्योंकि शर्जिल के केस की जांच कर रही एसआईटी के हाथ जो सबूत लगे हैं वो बताते हैं कि शर्जिल के दिमाग में कितना भयानक जहर भरा हुआ था और वो कितना खतरनाक प्लान कर रहा था। शर्जिल इमाम के मोबाइल फोन की तहकीकात में उसके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 15 अन्य लोगों की पहचान हुई है। इनमें से कुछ से पुलिस पूछताछ कर चुकी है और कुछ को पुलिस ने नोटिस भेजा है। इन 15 लोगों में जामिया और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र शामिल हैं। शर्जिल इमाम का जो मोबाइल अभी रिकवर हुआ है, इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी मिली है कि उस मोबाइल उसमें कई व्हाट्सएप ऐसे ग्रुप हैं जिसमें शर्जिल इमाम जुड़ा हुआ था। उसमें से 15 लोगों की पहचान हुई है जिनमें से कई जामिया के स्टूडेंट हैं, कई अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, जिनमें से कुछ से पूछताछ की गई है और कुछ को नोटिस सर्व किया गया है। लेकिन ये जो पंपलेट है इसको क्राइम ब्रांच जो एसआईटी है वो मान रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें भीड़ को जुटाने की बात की गई है बल्कि इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि पहले 370 उसके बाद बाबरी मस्जिद और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो क्राइम ब्रांच के सोर्सेस ने हमें बताया कि इसमें बाकायदा जो मुस्लिम यूथ है उनको कहीं ना कहीं बहकाया भड़काया गया और इसमें साफ साफ लिखा गया है। और ये पंपलेट आपको बता दूं कुछ दिन पहले हमने चलाया भी था और इंडिया टुडे को सोर्सेज ने बताया कि ये जो पंपलेट है 14 दिसंबर को बकायदा बनाया गया है, इस तरह के एविडेंस मिले हैं और 15 दिसंबर को हिंसा हुई। साथ ही साथ ये जो पंपलेट है उसके कंप्यूटर से बरामद हुआ है, जिस तरह के स्पीचेस उसने दिए हैं और वो कबूल भी किया कि स्पीच मैंने दी है। लेकिन उस पंपलेट में जो लिखा गया है कि 1000 यूथ जो मुस्लिम यूथ है वो डिस्टर्ब करने वाले हैं दिल्ली को। सुना आपने, शर्जिल के कंप्यूटर से पंपलेट बरामद हुआ है जिसमें अंग्रेजी और उर्दू में लिखा है कि हजारों मुस्लिम युवा दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए तैयार हैं, जिससे हमारे मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां मिलेंगी। ये पंपलेट 14 दिसंबर को तैयार हुआ था और कई मस्जिदों में इसे बंटवाया भी गया था। इस पंपलेट में ये भी लिखा हुआ है कि कश्मीर, बाबरी और अब नागरिकता कानून के बाद भारत के मुसलमानों की कड़ी प्रतिक्रिया जरूरी है। समझना आसान है कि शर्जिल क्या चाहता था। यूं तो उसके कई भड़काऊ वीडियो वायरल हुए थे लेकिन वो पकड़ में तब आया जब उसने नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने वाली तकरीर की। तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना नवा डालो पटरियों पर रोड पे कि उनको हटाने में 1 महीना लगे, लेकिन जाए एयरफोर्स से आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। अब शर्जिल पुलिस की गिरफ्त में है और धीरे धीरे उसकी जहरीली सोच का पर्दाफाश हो रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। शर्जिल जो ख्वाब देख रहा था उस सपने ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, मगर शर्जिल के सपनों का पूरा करने के लिए सब्जुबाग सजा रहे लोगों की अब मुंबई पुलिस को तलाश है। शर्जिल के समर्थन में नारेबाजी करने वाले 50 से ज्यादा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है और एक आरोपी की पहचान भी हो चुकी है। देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। शर्जिल इमाम के सपने को पूरा करने की बात कही जा रही है और किसे नहीं मालूम कि शर्जिल इमाम क्या सपने देख रहा था। उसके सपने ने ही उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और उसी के सपने को मंजिल तक पहुंचाने की नारेबाजी कर रहे इन लोगों की तलाश अब मुंबई पुलिस को है ताकि इन्हें भी इनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। देखिए, शनिवार को मुंबई के आजाद मैदान में कहने के लिए तो LGBTQ का कार्यक्रम था,
मगर इस कार्यक्रम में देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम के समर्थन में नारेबाजी शुरू हुई। जमकर नारेबाजी हुई और नारेबाजी का ये वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल हुआ तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस वीडियो पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, मुंबई में ये क्या चल रहा है और महाराष्ट्र सरकार इन सब चीजों को कैसे बर्दाश्त कर रही है। बीजेपी की ओर से जोरदार विरोध शुरू हुआ तो महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आ गई। ये लड़की कुछ तीन चार लड़कियों को लेके वहां पे घुस गई और उन्होंने एंटी नेशनल नारे लगाने की वहां पे कोशिश की। एलएनजीटी वाले ने हमको बताया कि ये जो लड़की ने वहां पे जो नारे लगाए इसका हमारे साथ में कोई ताल्लुकात नहीं है, आप उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करना चाहते करिए, हम लेकिन एलजीबीटी के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है ऐसा उनका कहना है, लेकिन जो उर्वशी चुड़ावाला है उसके ऊपर हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार इस नारेबाजी से खुद को अलग करने में लग गई। इधर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में नारेबाजी के विरोध में शिकायत दर्ज करा दी। अभी मुंबई के आजाद मैदान में शाहीन बाग के समर्थन में सीएए के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर नारेबाजी हो रही है, शर्जील तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, पुनः एक बार देश को टुकड़े करने की भाषा हो रही है। मैंने मुंबई पुलिस को इस संबंध में कंप्लेंट दी है, वीडियो भी भेजा है, तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 50 से ज्यादा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस वीडियो के जरिए नारेबाजी करने वालों की तलाश में जुट गई। जल्द ही आरोपियों में से एक की पहचान उर्वशी चुड़ावाला के तौर पर की गई। उर्वशी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में मीडिया एंड कल्चर की एमए सेकेंड ईयर की छात्रा है। पुलिस ने उसे दो बार पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन वो पेश नहीं हुई। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में है, आज नहीं तो कल देशद्रोह के इन आरोपियों की गिरफ्तारी तय मानी। मुस्तफा शेख के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। जामिया के गोलीबाज नाबालिग को तमंचा बेचने वाले शख्स को दबोच लिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अलीगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पेशे से पहलवान युवक की आज कोर्ट में पेशी होनी है। उधर जामिया में दूसरी फायरिंग का मामला भी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। कपिल गुर्जर, कहां से रहने वाले हो? गांव दल्लूपुरा। गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं जा सकता। 30 जनवरी को राजधानी दिल्ली के जामिया में हुई फायरिंग की यह तस्वीर तो हर किसी की आंखों में कैद हो गई है। नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच देश की राजधानी इस गोलीकांड की खबर से हिल गई थी। जिस तमंचे से नाबालिग आरोपी ने दिल्ली में खलबली मचा दी थी उसके बारे में बड़ी जानकारी का खुलासा हुआ है। आरोपी नाबालिग ने अलीगढ़ के एक पहलवान से तमंचा खरीदा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अलीगढ़ के सहजपुर गांव में रहने वाले पहलवान अजीत को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि अजीत ने नाबालिग को 10,000 रुपए में देसी कट्टा बेचा था। अब क्राइम ब्रांच कट्टा बेचने वाले आरोपी पहलवान से कई सवालों को जानने की कोशिश कर रही है। नाबालिग आरोपी को कैसे जानता है पहलवान अजीत? अजीत को नाबालिग आरोपी से किसने मिलवाया? क्या अजीत ने और भी लोगों को हथियार बेचे हैं? अजीत ने हथियार कहां से और कैसे हासिल किया? क्या उसने तमंचा घर पर बनाया या किसी से खरीदा? अजीत के पास क्या और भी कोई हथियार है? क्राइम ब्रांच इस तरह के कई सवाल आरोपी से पूछेगी और फिर आज अजीत पहलवान को कोर्ट में पेश करेगी। उधर नाबालिग आरोपी जो फिलहाल 28 फरवरी तक के लिए जेल में है उससे भी क्राइम ब्रांच मामले के तह तक जाने के लिए सवाल कर रही है। इधर 30 जनवरी को जामिया में हुई गोलीबारी की घटना से देश संभला भी नहीं था कि जामिया में रविवार देर रात फिर से अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों का दावा था कि यूनिवर्सिटी गेट के पास गोली चली। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैली और आसपास से सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन गोली किसने चलाई, गोली किसको लगी, फायरिंग करने वाला कहां गया, इन सवालों का कोई पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया लेकिन जांच की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
दिल्ली के दंगल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार दूसरे दिन रैली होने जा रही है। पीएम मोदी आज द्वारिका में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दिल्ली के सियासी संग्राम में अब शांत नजर आने वाली कांग्रेस के चुनावी प्रचार को धार देने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में उतर रहे हैं। जंगपुरा और संगम विहार में राहुल और प्रियंका की संयुक्त रैली होगी। उधर आम आदमी पार्टी का अकेले दम पर मोर्चा संभाले हुए सीएम केजरीवाल आज अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली पानी समेत कई लुभावने वादे हो सकते हैं।